हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपने घर का जो आरओ है वो खोला हुआ है, और आपको आरओ की कंपनी भी एक बार दिखा देता हूँ, जो कि है एक्वा प्लस का, और कुछ इस तरह का जो है वो तकरीबन 8 लीटर्स का जो आरओ है मेरे पास, तो उसे मैंने खोला है रिपेयर करने के लिए। जैसे कि वो चल नहीं रहा था, मोटर जो उसकी थी वो लोड या फिर कुछ चल भी नहीं रही थी, तो उसी को चेक करने के लिए मैंने अपना आरओ खोला हुआ है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए मैंने जो कि एडेप्टर भी है वो भी खोल चुका हूँ। तो एडेप्टर है अपना दोस्तों 24 वोल्ट डीसी का, जो कि 24 वोल्ट डीसी आउटपुट देता है 1.2 एम्पीयर का, और एसी में 50 हर्ट्ज लेता है 230 वोल्ट तक का। तो मैंने उसे भी पहले ही खोल दिया है। ये जो है उसका एडेप्टर है और ये इसका कवर है। तो उसके आगे एक सर्किट लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा था, तो सबसे पहले चेकिंग में आता है यही एडेप्टर, जो कि हमें चेक करना होगा कि इसमें से पावर आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा। तो सबसे पहले चेक करने के लिए चलो इसको हम पावर ऑन कर देते हैं। तो कनेक्टर को लगा लेते हैं पहले बोर्ड में और स्विच ऑन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें चालू नहीं हो पा रहा है, और इसमें करंट में चेक करूँगा तो करंट्स भी एक ही टेस्टर में जो है लाइट्स नहीं दिख रही है। ये पॉइंट हो गया और एक दूसरा पॉइंट ये रहा, तो इसमें टेस्टर में लाइट नहीं दिख रही है। तो लाइट क्यों नहीं दिख रही दोस्तों? ये जो एडेप्टर है एक्चुअली चालू ही है। तो लाइट्स आपको देखनी होगी, तो सबसे पहले आपको दोनों जो कनेक्टर्स है आरओ में से वो दोनों निकाल लेने होंगे। तो जैसे कि मैं ये दोनों निकाल रहा हूँ, ये एक निकाल लिया और ये दूसरा जो था वो भी निकाल लेंगे। तो ये दोनों कनेक्टर्स जो मैंने निकाल दिए दोस्तों। अभी मैं फिर से जो मेन पावर केबल है उसको करूँगा ऑन, और ये हो चुका है ऑन। अब एक बाय वन लाइन चेक करेंगे। देखो इसमें पावर दिख रहा है आपको। अब दूसरी चेक करते हैं, इसमें भी पावर आपको दिखेगा। तो अगर आपको जो एडेप्टर है आउटपुट डीसी वोल्ट का, डीसी जो कन्वर्टर है उसको आपको पावर चेक करना, तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से दोनों वायर आरओ में से निकाल लेने होंगे। तो ये जैसे कि एडेप्टर मेरा चल रहा है, तो अभी इसको हम करेंगे शट डाउन। मेन कनेक्टर जो है वो मैं निकाल लूँगा पहले, और प्लग भी मैं बाहर निकाल लूँगा पूरी सेफ्टी के लिए। अब फिर से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे कि ग्रीन वायर था रेड के साथ और ब्लैक था ब्लैक के साथ। अभी इसको मैं टेप नहीं लगाऊंगा, अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, चेक करना कुछ बाकी है इसलिए। तो अगर आप ऐसे खुला ही रख रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी ये टच ना हो जाए और शॉक ना लगे। तो चेक करने के लिए फिर से मैं एडेप्टर लगा के चालू करूँगा, और आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें लाइट्स अभी नहीं आ रही है क्योंकि ये सर्किट कनेक्ट हो चुकी है। तो एडेप्टर के बाद आता है ये जो ग्रीन कलर का वायर जा रहा है एडेप्टर में से, वो जा रहा है यहाँ पे जो आरओ के पीछे स्विच होता है उसके ऊपर, जो कि अंदर की तरफ जो बॉल होता है, ये वाला जो बॉल होता है उसको एक्टिवेट करता है पंप को करंट पास करके। अगर ऐसे नीचे होगा तो ये पास करंट करेगा और एक्टिवेट होगा, और ऊपर जैसे ही आ जाएगा वो स्विच प्रेस हो जाएगा और अपना जो मोटर है वो बंद हो जाएगी और आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम बंद हो जाएगा। तो अब चेक करेंगे उसको, और उसको चेक करने के लिए दोस्तों कुछ करना नहीं होगा। जैसे एक ऐसा मेटल का रॉड होगा या फिर आपके पास टेस्टर होगा, उसको आपको टच करना होगा। सिर्फ दो पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, आपको मैं उसका क्लोजर लुक देता हूँ एक बार। तो ये जो दो पॉइंट्स है उसको टच करेंगे। तो जैसा कि आप मोटर का साउंड सुन पा रहे हो, मोटर स्टार्ट हो चुकी है। मैं एक बार कनेक्टर को डिसकनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि मोटर स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मोटर अभी थोड़ा वाइब्रेट होगी चालू होने पर।
तो कुछ इस तरह से आप आरओ का सिस्टम जो है दोस्तों चेक कर पाओगे। अगर आपके घर में भी कुछ कोई भी कौन सा भी आरओ हो वो अगर आपको चेक करना हो तो कुछ इस तरह से आप लोग भी चेक कर पाओगे। तो अभी तो ये मेरा जो आरओ सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे की तरफ जो है पानी टैंक में आ रहा है या नहीं। तो अभी ये बंद है, जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा और पानी और ये पंप चालू होके पानी भी फिल्ट्रेशन सिस्टम चालू हो चुका है। और अगर ये स्विच भी ओके हो तो उसके बाद फिर हम लोग को चेक करना होगा ये 24 वॉट का जो मोटर है उसको। उसे चेक करने के लिए दोस्तों एक ही उपाय है, अगर आपको आपके पास दूसरा मोटर हो तो आप उसका दूसरा पंप भी लगा के चेक कर सकते हो। ये जो पंप है दोस्तों बूस्टर पंप है, 24 वोल्ट का डीसी करंट का है और 80 PSI तक उसको पावर दे सकता है, मतलब 80 PSI तक उसके पास प्रेशर पंप है। और बाकी कुछ नहीं आता आ रहा है दोस्तों, ये सब फिल्ट्रेशन सिस्टम ही है। इसके अंदर मिट्टी होती है, कुछ कार्बन होता है, ये सब फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो इस तरह से आप अपने घर पे आरओ भी इजीली चेक कर सकते हो। तो ये जो स्विच है दोस्तों मैंने पंप के अंदर से मतलब आरओ के अंदर से निकाल लिया है, कुछ इस तरह की आपकी जो स्विच होगी ऑन ऑफ की वो रहेगी। आरओ में से निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो होल्डर है उसको खोलना होगा ताकि वो लूज़ हो जाए, और जो ये स्विच है उसके अंदर से निकालने के लिए आपको आरओ ऐसे घुमाना होगा। तो वो अनस्क्रू करेंगे तो आपकी स्विच इजीली निकल जाएगी। कुछ इस तरह से, और स्विच के अंदर कुछ होता नहीं है, स्विच के अंदर सिर्फ ये एक लीवर है जो कि ऐसे स्विच प्रेस करता है, और वो स्विच प्रेस करता है ये अंदर की तरफ जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये वाला। और जैसे कि दो कनेक्टर ऐसे लगे हुए होंगे तो उसे अब हम निकालेंगे। इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ऊपर की तरफ है और कौन सा नीचे की तरफ है, दोनों वायर एक्चुअली करंट पास करने के लिए है, तो ये कैसे भी आप लगा सकते हो फिर लगाना हो तो। तो अभी हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ कार्बन ही लगा होगा। स्क्रूज भी एकदम खराब हो चुके हैं, काफ़ी सालों से खोला ही नहीं गया है, साफ भी नहीं हुआ एक्चुअली। तो जैसे कि ये सील टाइट है तो खोलने के लिए हमें सील इसका क्रैक करना ही होगा, अगर खोलना ही हो आपको तो मैं इसका सील क्रैक कर लूँगा पहले। तो कुछ इस तरह से सील आपका क्रैक हो जाएगा और आप इजीली इसको खोल पाओगे। तो अंदर की तरफ इसको ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, कुछ इस तरह से अंदर वर्क करता है। ये जो पॉइंट है वो इस तरफ दबाई रहेगा, तो ये पिन में जो है निकाल लूँगा और पिन के ऊपर कार्बन या फिर कुछ लगा हो तो उसको मैं साफ कर लूँगा। और इधर भी मैं थोड़ा साफ कर लूँगा।
इसमें जो स्प्रिंग लगी थी दोस्तों वो एक्चुअली निकल चुकी है। तो स्प्रिंग फिट करके मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ। तो ये बटन मैंने फिर से असेंबल कर दिया है, तो इसकी स्प्रिंग अंदर से निकल गई थी, उसको वापस अच्छे से लगा के मैंने असेंबल कर दिया है। तो आपको एक बार दिखा भी देता हूँ पावर ऑन करके, मैं मेन स्विच ऑन करके। तो जैसा कि आप आवाज़ सुन पा रहे हो, मोटर चालू हो चुकी है, इसको प्रेस करते ही बंद हो जाएगी और छोड़ते ही वापस चालू हो जाएगी। तो इतना सा सिर्फ प्रॉब्लम होने पर दोस्तों जो मैकेनिक आता है वो 300, 400, 500 तक चार्ज लेके चला जाता है और होता कुछ है नहीं। तो कुछ इस तरह से आप लोग भी इसे रिपेयर कर सकते हो। तो अभी मैं स्विच फिर से अंदर लगा लूँगा और पूरा का पूरा जो है आरओ असेंबल कर लूँगा।
तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।